हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आईयूपीएस पीओ का कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें अपन बात करेंगे वैकेंसी कंपैरिजन लास्ट ईयर कितनी थी, एज क्राइटेरिया क्या है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होगा, किस किस को रिक्वायरमेंट होगी उसकी, प्रमोशन कब होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, प्री मेंस की कट ऑफ क्या है, प्री मेंस का सिलेबस क्या है और प्री मेंस का पैटर्न क्या है, सैलरी, प्रमोशन, सभी के बारे में बात करेंगे। प्रमोशन यहाँ दो बार आ गया है, ठीक है, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना, कोई पॉइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस नहीं करो, ठीक है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, तो डेली करंट अफेयर इसी चैनल के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आ गया है आईबीपीएस पीओ के लिए आईबीपीएस की वेबसाइट पे। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आज से 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक, ठीक है। और आपका जो प्रीलिम्स होगा वो अक्टूबर में होगा, डेट जो आईबीपीएस का कैलेंडर आया उसी के अंदर आ गई थी, डेट है 19 और 20 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स होगा, ये अभी से लिख लो आप, ठीक है। और मेंस होगा नवंबर में, मेंस की डेट भी फिक्स है, वो होगा 30 नवंबर को, ठीक है। और फिर आपके इंटरव्यू होंगे जनवरी फरवरी में, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 1 अप्रैल 2025 को आएगा, ठीक है। तो फॉर्म आज से भर सकते हो आप। अब बात करें आगे, आगे देखें वैकेंसी, तो इस बार कितनी वैकेंसी है, तो देखो टोटल वैकेंसी है 4455 वैकेंसी। और बहुत सारे बैंकों ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट नहीं की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रिपोर्ट नहीं की है, इंडियन बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक, इन्होंने रिपोर्ट नहीं की है, तो ये रिपोर्ट करेंगे बाद में जाके, ठीक है। तो लगभग अभी 5 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं की है, ठीक है। तो अभी इतनी वैकेंसी, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लगभग 2 साल से 2000 वैकेंसी दे रहा है, क्योंकि पहले पीसीए में था, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो नोटिफिकेशन आया तो वैकेंसी थी 3049 ओनली, और जब फाइनल वैकेंसी हुई, जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आया, तो फाइनल वैकेंसी थी 5532 वैकेंसी। तो देखो कितना इंक्रीज हुआ, 2500 के आसपास वैकेंसी बढ़ी है। तो यहाँ पे भी अगर 2500 वैकेंसी बढ़ेगी चांसेस है, तो आपकी 7000 के आसपास वैकेंसी हो जाएगी, जो काफी अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। फाइनल आपके 7000 वैकेंसी होने के चांसेस है, पूरे पूरे लिख के ले लो, ठीक है। वैकेंसी का डाउट क्लियर हो गया। बात करें नेक्स्ट, एज क्राइटेरिया कितना है आपका, तो एज क्राइटेरिया मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल, ये एज क्राइटेरिया। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी से हो तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 10 साल का, ठीक है। मेन यही है। बात करें नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन फॉर्म भर सकता है, सारे डाउट में क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कहीं से भी आपने डिग्री की है, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। प्लस इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप 60% होना जरूरी है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जैसा। प्लस आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका फाइनल रिजल्ट आपका 21 अगस्त को आ जाना चाहिए, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। इसमें लिखा है डिक्लेयर ऑन और बिफोर, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिनके एग्जाम हो गए हैं बट रिजल्ट पेंडिंग है, अगर उनका रिजल्ट 21/8/2024 तक आ जाता है तब तो वो एलिजिबल है ऑफिशियली, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो जिनका रिजल्ट पेंडिंग है ट्राई करना कि वेट करें, लास्ट डेट पे भरे, 21 अगस्त को ही फॉर्म भरे, ठीक है। और मान लो रिजल्ट आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, आप डमी, आप कुछ भी फिल करके भी एग्जाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि आगे जाके कुछ इशू होगा, कुछ भी इशू नहीं होगा, आप एक्सपीरियंस के लिए डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा, फिर एसबीआई लग तो आप भर ही पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से सारा डाउट, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट यही होता है। और परसेंटेज वाला क्राइटेरिया कुछ भी नहीं, रिजल्ट आपका ऑनलाइन आना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आपका आ गया, डिग्री नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑनलाइन आपका रिजल्ट अगर 21 अगस्त को आ गया तो आप एलिजिबल हो, क्लियर। नेक्स्ट, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आप मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब बात करें कंप्यूटर सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने स्टडी में पढ़ा है इसको, कंप्यूटर को एज ए सब्जेक्ट इन 10th 12th और ग्रेजुएशन में, तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ग्रेजुएशन में मान लो किसी ने बीटेक की है, बीटेक में उसने अगर आईटी भी पढ़ा है, आईटी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो भी उसको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 10th में पढ़ा है सी, 12th में पढ़ा है C++, तो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्लियर सुन लो आप। और अगर मान लो किसी ने कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो उसको बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो कहीं से भी, बहुत सारी कंप्यूटर की शॉप होती है जो आपको बेसिक का कोर्स करवा के देती है, तो उसका 2000-3000 रुपए कुछ लगेंगे, 2000 के आसपास आपने लगेंगे और कंप्यूटर सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, वो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। अब बात करें कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट देखो एससी एसटी इनका तो एक ही बार बनता है सेंट्रल वाला, ठीक है, वो बनवा लेना। ओबीसी का हर साल रिन्यू होता है सेंट्रल वाला, स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंट्रल वाला चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, ठीक है। और ये अभी बोलेंगे कि अभी चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट 1 अप्रैल को आएगा, तो लोग बाग क्या करते हैं, रिजल्ट आने के बाद बना दे, रिजल्ट आने के बाद अभी आप अप्लाई कर दो, अभी अप्लाई कर दो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का भी अभी का चाहिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, सेंट्रल वाले, ठीक है, असेट और इनकम दोनों वाला, दोनों चाहिए, ठीक है, और सेंट्रल वाले चाहिए, क्लियर हो गया। अब बात करें नेक्स्ट, अब बात करें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो देखो सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स की,
क्वांट 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स की होती है, तो 60 मिनट मिलते हैं हर एक सेक्शन में, 20-20 मिनट मिलते हैं, क्लियर हो गया। अब रीजनिंग में क्या सिलेबस है प्रीलिम्स का, तो देखो रीजनिंग के अंदर प्रीलिम्स में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटीज, लॉक्स और ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब ये टॉपिक मैंने क्यों छोड़े हैं, क्योंकि इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशियंसी और वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग जो ये तीनों टॉपिक है ये आते हैं आपके मेंस के अंदर, ठीक है। बाकी ये प्री के अंदर, प्री के अंदर मेन मेन मैं बताऊँ आपके, तो पजल्स आ जाएंगे लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपके पजल्स, 20 से 22 क्वेश्चन पजल्स के होते हैं, बाकी आपके 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, जैसे इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन आ गए, स्लोक्स के 3 क्वेश्चन आ गए, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ गए, डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आ गए, तो ये सब मिला के मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, बाकी मेन जो पार्ट होता है वो पजल्स का होता है। रीजनिंग में क्लियर हो गया। अब बात करें इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है, प्लॉट टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स एंड पैरा या सेंटेंस कंप्लीशन, ओके। तो देखो प्रीलिम्स के अंदर आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंफर्म है 8 से 9 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं वोकैब के, ठीक है। और यही मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर आरसी हो जाते हैं, आरसी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि 2 से 3 से 4 आरसी पूछ लेते हैं, ठीक है। प्लॉट टेस्ट के 5 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर के 5 क्वेश्चन, एरर के 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके एक दो टॉपिक रह गए, वर्ड स्वैप आता है एक, ठीक है, फिलर्स आता है, वर्ड को स्वैप करना है कौन सा करेक्ट है और रॉन्गली स्पेल्ड है, वो क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के मेजर टॉपिक है, यहाँ से आपके 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो इजी होते हैं काफी, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाता है, ठीक है। पैरा जंबल आता है, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं, बड़ा वाला पैरा जंबल आता है, ठीक है, और एरर के 5 क्वेश्चन आते हैं। ये इंग्लिश का पैटर्न है मेन। अब बात करें क्वांट, क्वांटिटी और एटीट्यूड के अंदर क्या क्या है, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, ये अर्थमेटिक के टॉपिक है, यहाँ से मेंसुरेशन, एवरेज प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एनर्जी, वर्क टाइम एनर्जी नहीं आएगा यहाँ पे, ये फिजिक्स वाला डाल दिया है यहाँ पे, और टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, SICI एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्पिटिशन, ठीक है। और यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन भी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये भी एक टॉपिक आते हैं। तो देखो अब बात करें प्रीलिम्स का क्या रहता है क्वांट के अंदर सेटअप, क्वांट के अंदर ऐसा रहता है, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आते हैं, DI आपके 3 DI आती है, 15 क्वेश्चन 3 DI आती है आपके प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ही चीज आता है, इन तीन में से 2 ही टॉपिक आते हैं। और डेटा सफिशिएंसी ये मेंस के अंदर आती है मेनली, ठीक है। मेंसुरेशन, अब प्रीलिम्स में जो मेनली जो आपके अर्थमेटिक के टॉपिक है वो आता है, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आता है, वर्क टाइम से क्वेश्चन कंफर्म है, टाइम डिस्टेंस से कंफर्म है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के आपके आते हैं लगभग 10 से 11 क्वेश्चन, ठीक है, यही पैटर्न है। क्वांट में आपको आराम से आप 20-22 कर लोगे ना, पीओ मेंस में, पीओ प्री के अंदर, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट है। और रीजनिंग की बात करूँ, तीनों के मैटर्न भी बता देता हूँ आपको, रीजनिंग में भी अगर आप 22 से 25 करोगे तो गुड अटेम्प्ट है विद 100% एक्यूरेसी, और इंग्लिश में अगर आप 20-22 करते हो तो वो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे होगी, मैं स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कंप्लीट, वो करंट अफेयर आप मुझसे पढ़ सकते हो डेली डेली क्लास में। अब बात करें प्रीलिम्स की कितनी कट ऑफ हुई थी लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूँ, जनरल की 54.25, एससी की 49.50, एसटी की 43, ओबीसी की 54.25, ईडब्ल्यूएस की 54.25, ठीक है। तो मेनली ये कट ऑफ है अपनी, तो इतनी कट ऑफ थी लास्ट ईयर 3000 वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ थी। इस बार कट ऑफ के चांसेस पहले ही बता दें, पहले बताना वैसे मुश्किल है क्योंकि पेपर का लेवल क्या रहेगा किसी को पता नहीं, फिर भी मान सकते अपन 51 कट ऑफ तो रहेगी, ठीक है। तो इतना तो आपको 60 का स्कोर लेके चलना है, 60 मार्क्स आपको लाने ही लाने कैसे भी। अब बात करें प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, और एक और चीज, आप जहां पे सेंटर भरोगे प्री का वहीं आपका एग्जाम होगा, मेंस जहां भरोगे फिर वहीं आपका एग्जाम होगा, और जहां मेंस का सेंटर होगा आपका वहीं इंटरव्यू होगा, ठीक है। और 3 सिलेक्शन के प्रोसेस है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, ओके। और प्री के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, मेंस के इंडिविजुअल मार्क्स हैं, बट मेंस और इंटरव्यू का वेटेज मिला के है, ठीक है। अब मेंस में, सॉरी, प्री के अंदर सेक्शनल कट ऑफ कितनी गई, क्वांट के अंदर जनरल की 7, रीजनिंग की 10 और इंग्लिश की 11.50, और एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूएस इनके लिए कितनी है, इनके लिए है 4.25 क्वांट की, रीजनिंग की 5.75, इंग्लिश की 8.25, ये सेक्शनल कट ऑफ सभी जगह से है, ठीक है। अब बात करें मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, मेंस एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, कंप्यूटर एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आता है, रीजनिंग के ही 45 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, ठीक है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, और एग्जाम का मीडियम दोनों में रहेगा। और रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलता है, और रीजनिंग आती है हिला देने वाली पूरी, 10-10 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे के अंदर। जीए की बात करें, जीए में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट मिलते हैं, और जीए भी आता है हिला देने वाला, लोगों से 5-5 क्वेश्चन आते हैं जीए के, इसलिए बेटा बोल रहा हूँ मैं अभी सभी को कि जीए मुझसे डेली डेली क्लास पढ़ो ना आप अभी से, तो आपके एबीपीएस पीओ के अंदर 20+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा।
ठीक है, और इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स, ठीक है, 40 मिनट तो डीआई जो क्वांट के अंदर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन डीआई ही आती है मोस्टली आपके, 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स के, ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स, तो देखो आप कितना वेटेज है क्वांट का। तो क्वांट में अगर आपने डीआई अच्छी कर ली तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, यहाँ 45 मिनट मिलते हैं, टोटल आपके 155 क्वेश्चन है 200 मार्क्स, प्लस जैसे ही आपका मेंस खत्म होगा वहीं पे आपके इंग्लिश का आपको डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाएगा, उसमें लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग तीनों के आपको तीन तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेटर के तीन ऑप्शन में से एक लिखना है, ठीक है, लेटर में भी तीन ऑप्शन मिलेंगे और एसे में भी आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीनों में से एक एक अटेम्प्ट करना है वो, और 25 मार्क्स, ठीक है, लेटर 10 मार्क्स का होता है और एसे होता है 15 मार्क्स, ठीक है, और इसमें 30 मिनट मिलते हैं आपको टाइप करना आपको, ओके, और ये टोटल 25 में से कट ऑफ जाती है। हम बात करें मेंस की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी, 25 में से जनरल की 63, ओबीसी की 62.25, एससी की 50.25, एसटी की 41, ईडब्ल्यूएस की 61, ठीक है, तो मेंस का जो वेटेज स्कोर है वो 80% है, टोटल फाइनल स्कोर आता है उसमें मेंस का स्कोर है 80%, जैसे मान लो किसी के 63 मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये कितना वेटेज हुआ, 63 का 80 डिवाइड बाय 225 करेंगे, आउट ऑफ 225 निकालेंगे तो वो जो स्कोर आएगा वो वेटेज स्कोर आएगा उसमें, क्लियर हो गया, इस टाइप से आप अपना वेटेज स्कोर निकाल सकते। अब बात करें मेंस की सेक्शनल कट ऑफ भी अलग अलग रहती है, तो रीजनिंग की कितनी रहती है, देखो एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 10.5 मार्क्स, इतनी कम क्योंकि पेपर ही ऐसा आता है, इंग्लिश की 8 मार्क्स, डीए की 4.75, जीए की 1.5, देखो जीए का कितना वेटेज है, जीए में मार्क्स नहीं आते लोगों के, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की 8.75, जनरल ईडब्ल्यूएस की 3.50, इंग्लिश की 11, डीए की 7.75 और जीए की 3.5 और इंग्लिश की 10, ठीक है, ये सेक्शनल कट ऑफ सभी के लिए सेम है। और आईबीपीएस पीओ की जॉब आपकी ऑल इंडिया लेवल की होती है, जो आपको बैंक असाइन होगा फाइनल सिलेक्शन के बाद वहीं आपकी जॉब लगेगी, फिर उसमें ट्रांसफर भी होते रहते हैं। फाइनल कट ऑफ, जो फाइनल कट ऑफ है ये 100 में से है, ठीक है, तो देखो फाइनल जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है उसमें मेंस का होता है 80% वेटेज, इंटरव्यू का होता है 20%, जैसे आपका इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू में आपके 80 मार्क्स आए तो आपका वेटेज कितना होगा 16 मार्क्स, इसका 20% निकाल लेंगे तो 16 मार्क्स इसका, ठीक है, तो मिनिमम स्कोर एससी के लिए 34.73। और मान लो किसी का स्कोर सेम आता है ना, ये डाउट भी रहता है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, जो डेट ऑफ बर्थ में सीनियर होता है उसका सिलेक्शन होता है, इसीलिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, ठीक है, तो मैक्सिमम स्कोर 45.27, मैक्सिमम स्कोर से कोई लेना देना, मैक्सिमम लाओ मिनिमम लाओ सिलेक्शन होना ही है, तो मिनिमम पे भी ध्यान दे, तो मिनिमम कट ऑफ 34.73 लाना है, एसटी में 31.93, ओबीसी की 38.69, ठीक है, मान लो किसी का वेटेज स्कोर रिटर्न में 23.9 बना है वेटेज स्कोर, ये रिटर्न का है मेंस का, और इंटरव्यू में उसको 16 मार्क्स दिए हैं तो उसका वेटेज स्कोर कितना हो गया 39.6, और कट ऑफ कितनी है 38.69, तो उसका सिलेक्शन हो गया है, समझ में आया, ईडब्ल्यूएस की 38.71, जनरल की 41.13, ठीक है, बाकी अलग कैटेगरी है। अब रिजर्व लिस्ट की भी कट ऑफ उसी दिन आ जाती है जब 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है तब, तो मिनिमम रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ भी है 33.98, एससी की 31.11, ओबीसी की 38.11, ईडब्ल्यूएस की 38.13, जनरल की 40.3 है, तो ये आपकी रिजर्व लिस्ट। मान लो किसी के आया 38.30 और वो ओबीसी से है, ठीक है, तो उसका रिजर्व लिस्ट में है ना, रिजर्व लिस्ट में उसका सिलेक्शन होने के चांसेस है, जो 31 जुलाई को आती है या फिर 31 मार्च को आती है, एक दिन पहले आती है रिजल्ट से पहले, जैसे कल आई थी, ओके। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी सब अलाउंस वगैरह मिला के बात करें, आईबीपीएस पीओ की 90,000 के आसपास सैलरी होती है मंथली, रेंट वगैरह भी मिलता है, इसकी सैलरी कंप्लीट वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड की है, जल्दी एक और वीडियो में लेके आऊंगा लेटेस्ट सैलरी कितनी है, डिटेल वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन जब पीओ ज्वाइन करता है तो वो स्केल 1 होता है, ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन होता है आपका, प्रोबेशन के बाद आप स्केल 1 से स्केल 2 में आप 3 साल के बाद जा सकते हो, 3 साल के बाद आप प्रमोशन ले सकते हो, उसका इंटरनल एग्जाम होता है, फिर स्केल 2 से स्केल 3 भी 3 साल, 3 से 4, सभी का 3-3 साल है ऑलमोस्ट, ठीक है, 4 से आगे फिर थोड़ा अलग है, ठीक है, 4 से आगे थोड़ा अलग है, ठीक है, 3 या 4 साल है एग्जैक्ट, अब बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी का 3 है किसी का 4 है, बैंक टू बैंक वेरी करेगा ये, ओके, क्लियर हो गए सारे डाउट, फिर भी कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज अगर पीओ मेंस निकालना है, कोई भी एग्जाम का मेंस क्वालिफाई करना है, जीएपी से पढ़ो, जीए के लिए मैं डिटेल वहां पर आपको पढ़ा रहा हूँ डेली डेली, एक बार जाके क्लास देखो, और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, एचपी सक्सेस क्लासेस सर्च करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम। तो जल्दी मैं आप लोगों के लिए आईबीपीएस पीओ की कंप्लीट स्ट्रेटजी भी लेके आऊँ।